हाय एवरीवन, आज बात करेंगे कि बिकनी की डार्कनेस पिगमेंटेशन को कम कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी बिकनी रीजन को एकदम ड्राई रखना है। अगर वो वेट रहेगा तो डेफिनेटली स्किन के अंदर डार्कनेस धीरे धीरे डेफिनेटली आएगी। तो एक टिश्यू पेपर आपके बाथरूम में जरूर होना चाहिए। वेन एवर यू यूज द टॉयलेट और द बाथरूम, आपको उसे ड्राई कर आना है। सो नंबर वन रूल, आपको अपने बिकनी रीजन को ड्राई रखना है। अगर वेट रखेंगे तो स्किन डेफिनेटली डार्क होगी। यही एक मेजर कारण है कि आप यूजली लोगों की जो बिकनी की स्किन है वो डार्क हो जाती है, बिकॉज वो यूजली वेट रहती है। सेकेंड रीजन, आपने क्या करना है, किसी भी कंपनी की हेयर रिमूवल क्रीम्स को नहीं यूज करना है। हेयर रिमूवल क्रीम आप किसी भी अच्छे ब्रांड की क्यों ना यूज करो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है बालों को हटाने के लिए। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो डेफिनेटली स्किन धीरे धीरे डार्क हो जाती है। कई लोगों की फर्स्ट यूज में डार्क हो जाती है, कई लोगों की रिपीटेड यूज में ही डार्क हो जाती है। तो आपको स्किन हेयर रिमूवल क्रीम्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। नाउ थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज लेजर हेयर रिडक्शन। जब आप बिकनी रीजन पे लेजर हेयर रिडक्शन कराते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं कि वहां पर जो है उस रीजन को ड्राई रख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आपके जो हेयर है वो भी मॉइस्चर को कैप्चर कर लेते हैं तो वेट रहते हैं। तो अगर वो रीजन वेट रहेगा तो डार्कनेस रहेगी, तो इसलिए लेजर हेयर रिडक्शन आप करा सकते हैं। नाउ लेजर हेयर रिडक्शन से सबसे पहले लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये बिकनी रीजन पे सेफ है। ये एब्सोल्युटली सेफ है बिकॉज ऑफ द सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो आपका लेजर है वो आपकी स्किन टू 6 to 8 मिलीमीटर के नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एब्सोल्युटली सेफ हैं। फ्यूचर में फर्टिलिटी में चाइल्ड बर्थ में आपको 1% भी लेजर की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ थर्ड थिंग, जब आपके पीरियड्स होते हैं तो प्लीज अपने पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर वो रीजन गीला रहेगा तो डार्कनेस आएगी ही आएगी। नाउ लास्टली आप क्या कर सकते हैं, तो चार मैंने आपको घर में बताया कि जो आपको कर सकते हैं। लास्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको कुछ क्रीम्स लिखकर देंगे। उन क्रीम से भी धीरे धीरे डेफिनेटली स्किन लाइट होती है, बट स्किन जो क्रीम्स हैं वो धीरे धीरे काम करती है, तो आपको एटलीस्ट 4 to 6 months का टाइम देना पड़ेगा उसको। लास्टली पील ऑफ लेजर, लेजर पील ऑफ आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जाके करा सकते हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 1 घंटा आपको सुन करने की क्रीम लगाया जाके आपको पेन ना हो, और फिर लेजर शॉट सारे से दिए, अगले 5 to 7 days वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्कैब्स बनेंगे जो कि अपने आप गिर जाएंगे। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि लेजर से सुपरफिशियल डेड स्किन को हटा रहे हैं। तो जब सुपरफिशियल डेड स्किन हटती है तो उसमें जमा हुआ कालापन भी साथ में गिरता है और नीचे से नई स्किन आती रहती है। सो डोंट वरी कि आपकी स्किन पतली नहीं होने वाली। नीचे से नई स्किन फॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है, तो नीचे से जो न्यू स्किन आएगी वो डेफिनेटली डार्क नहीं होगी। तो इससे आपकी स्किन जो है लाइट हो जाएगी। 100% कंप्लीटली डार्कनेस नहीं जाने वाली है, बट इंप्रूवमेंट आ जाती है, लाइट हो जाती है। अगेन इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो आपका लेजर है वो आपकी स्किन से नीचे नहीं जा रहा है, स्किन तक ही लिमिटेड है। तो इसलिए आपका कोई भी फ्यूचर में फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई जस्ट रिपीट, अगर आपको बिकनी रीजन में डार्कनेस हटानी है तो सबसे पहले जो 3 चीजें आपने घर में करनी है, जाके आपका बिकनी रीजन हमेशा ड्राई रहे, टिश्यू पेपर अपने बाथरूम में रखिए, अपने हेयर रिमूवल क्रीम्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, और आपके अपने पैड्स जो है पीरियड्स के टाइम पे फ्रीक्वेंटली बदलने हैं। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जाकर आप 3 चीजें कर सकते हैं। तो क्रीम्स लिखवा सकते हैं जो 4 to 6 months तक आप यूज करेंगे, लेजर हेयर रिडक्शन करा सकते हैं, और लेजर पील ऑफ सुपरफिशियल डेड स्किन को हटाने के लिए कर सकते हैं, जाके आपका जो बिकनी का जो रीजन है वो लाइट हो जाए ओवर द इयर्स। आपका कोई भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई कैन मेक द वीडियोस ऑन देम। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बाय द नेम डॉक्टर अन्विका, एंड माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम डॉक्टर अन्विका।